Hey.
साहब जब साफ साफ दिख जाए पूरा यही जो बोल रहे हैं, तो फिर जब दिखने के बाद, जब तक नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, लेकिन दिखने के बाद फिर उससे हट लें। विकार एक बार दिख गया, गंदगी एक बार दिख ली तो अपने आप हट जाते हैं, उसके साथ जबरदस्ती ना करें, हट लें। उसी को और समझा रहे हैं दोहे में, कह रहे हैं प्रगटे प्रेम विवेक दल। प्रगटे प्रेम विवेक दल, दल मतलब संगठन, एक साथ जहाँ पे हम प्रेम और विवेक को पाते हैं, जहाँ प्रेम विवेक एक साथ है। तो प्रगटे प्रेम विवेक दल अभय निशान बजाए, और जहाँ पे मुक्ति का निशान बजाया जाता हो, अभय निशान बजाए। उग्र ज्ञान उर आवते जग का मोह नसाए, उग्र मतलब फोर्स के साथ जो ज्ञान आता हो, उग्र ज्ञान उर आवते कि हृदय को, जो हृदय को जगा देता हो, उर के पास ले जाता हो, या उर के पास, हृदय के पास आ जाता हो, ऐसा ज्ञान जो फोर्स के साथ आ रहा है। उग्र ज्ञान उर आवते जग का मोह नसाए, और जब ऐसा ज्ञान फोर्स के साथ आता है तो जो जग का मोह होता है वो अपने आप ही उसका नाश होने लगता है, वो ढलता जाता है, ढहता जाता है। तो उग्र ज्ञान उर आवते जग का मोह नसाए, इसलिए जो ज्ञान है वो जिस तरीके से देखा जाता है अध्यात्म को, बहुत भ्रम है, अज्ञानता है उसमें। यहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं उग्र ज्ञान जो फोर्स के साथ आ रहा हो, कोई भी चीज़ डिस्ट्रक्शन है, ढहता है कुछ, तो बिना फोर्स के वो नहीं ढहता, टूटा हुआ ही ढहता है, फालतू का ही ढहता है, असल तो कुछ ढहता नहीं, असल तो बरकरार रहता है, लेकिन जो फालतू है वैसे ही डेड है, उसको रख के क्या फ़ायदा। तो उसके लिए भी फोर्स लगता है, उसको ढहने के लिए बल चाहिए। तो जो ज्ञान फिर बल से आता है, उग्र ज्ञान उर आवते, उर मतलब हृदय, हृदय के पास बहुत फोर्स से जो ज्ञान आता हो, उग्र ज्ञान उर आवते जग का मोह नसाए। जो नींद है वो मोह की नींद है, उसी से कह रहे हैं जाग जाग उठ जाग।
भजन है कबीर साहब का, क्यों सोए तू गफलत के मारे, जाग जाग उठ जाग रे। आप में से कुछ लोग पहले भी शायद इस भजन को कर चुके होंगे, यहाँ पे कुछ पहली बार कर रहे हैं, तो सबके लिए फ्रेश ही है भजन। क्योंकि जितने बार हम उस भजन को भजते हैं, जानते हैं, समझते हैं, उतने ही बार उसके अर्थ थोड़े और गहराते जाते हैं। तो हमारे मन की अवस्था पे ये निर्भर करता है कि उस समय कैसा मन है और कैसे मन से हम भजन के पास पहुंचते हैं, क्या उससे समझते हैं। तो हर बार जैसे नया ही होता है, यही एक्सपीरियंस है। तो उसको गाएंगे, पहले समझ लेंगे और समझने के बाद फिर एक साथ खुल के गाएंगे। कबीर साहब कह रहे हैं कि क्यों सोए तू गफलत के मारे, जाग जाग उठ जाग रे। कि गलतियों में क्यों सो रहे हैं, ये तो इसका शाब्दिक अर्थ है। ये तो ऐसे ही हिंदी जानते हैं, और अवधि है ये भाषा, अवधि है, और हिंदी समझते हैं तो इतना तो समझ ही जाते हैं शाब्दिक अर्थ से, कि कह रहे हैं कि क्यों सो रहे हो गलतियों में और गलतियों से उठ के जागो, जाग जाग उठ जागरे, तो जागने की बात कर रहे हैं। तो शाब्दिक अर्थ तो पता चल ही जाता है, अनलेस कि कोई बिल्कुल ही ऐसे शब्द आ गए हों अवधि में जिनके अर्थ नहीं पता हैं, तब तो पूछना पड़ता है इसका क्या अर्थ, इसका क्या अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है। लेकिन कबीर साहब बोल रहे हैं तो अर्थ उसके बड़े गहरे हैं। सिर्फ इतना बोल के नहीं रह जा रहे हैं कि क्यों सोए तू गफलत के मारे, गफलत की नींद में क्यों सो रहे हो और उससे जागो, बस ये बोल के रह जाना उनका काम तो नहीं हो सकता था, क्योंकि नींद और पूरा कबीर साहब का साहित्य ही है जो अलग अलग तरीक़ों से नींदें ही तोड़ रहे हैं। मन जिन नींदों में घिर जाता है, बंध जाता है, उसके आगे नहीं जा पाता, और उसके लिए बिल्कुल असंभव हो जाता है नींद को नींद जानना और नींद को नींद कह पाना भी कि ये नींद है। मन के लिए बिल्कुल असंभव हो जाता है जब वो किसी कुछ लिमिटेड दायरे में ही बंध के अगर समय बिताता रहता है। तो आगे पहुंचने के लिए, उससे जाने के लिए ही बार बार अलग अलग माध्यम से, भजनों के माध्यम से और दोहों के माध्यम से और साखियों के माध्यम से, दोहों में आप पाएंगे तो वो सारी चीज़ें जो नींद बन जाती हैं उनको अलग अलग अंग के रूप में लिखा हुआ है। मद को अंग, शिष्य को अंग, क्रोध को अंग, सारग्राही को अंग। तो हर वो चीज़ जो जिससे मन घिरा रहता है, उसी के अंग जो हैं वो ज़्यादा पाते हैं हम कबीर साहब के साहित्य में। आत्मा के बारे में बताते हैं कबीर साहब, जिनको राम कहते हैं वो आत्मा है, आत्मा सत्य, उनको वो राम कहते हैं। डायरेक्ट कहीं बहुत कम मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर यही मिलेगा कि मन किससे अटैच्ड होके जीता है, किससे ज़्यादा वो तादात्म्य रखे रहता है। किसी का क्रोध से ज़्यादा तादात्म्य हो गया, किसी का मद से हो गया, किसी का मात्सर्य से हो गया। मन है ना, गुण है, प्रकृति के तीन गुण हैं और तीन अवस्थाएं हैं चेतना की, तो इन्हीं का कॉम्बिनेशन है, चल रहा है, प्रकृति के गुण हैं। जिसका भी कोई भी गुण ज़्यादा हुआ किसी भी तरफ जाके, वही उसके जीवन की तकलीफ़ बन जाती है, वही उसके मनोदशा की तकलीफ़ बन जाती है, उसको हम व्याधि कहते हैं। कि जो पांच सेंसेस हैं इनसे और आगे बात बढ़ते हैं, पच्चीसों नागिने हैं, और इन्हीं से जो विष उपजता है उसी से मन परेशान रहता है, तो उसको कहते हैं व्याधि। एक भजन भी है कबीर साहब का जिसमें कहते हैं, हमारे गुरु दीनी अजब जड़ी, और पांचों नाग पच्चीसों नागिनी देखत डरी, और फिर आखिर में भजन कहता है
आखिरी पंक्ति है और उसमें कहते हैं कि सकल व्याधि टरी, कि व्याधि मतलब बीमारी, मन की बीमारी टरी, दूर गई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मन सबके मन अलग अलग हैं, तो इसलिए हर किसी की चेतना में कौन सा विकार है, कौन सा विषय बैठा है, क्या ज़्यादा है, किसी का रजोगुण ज़्यादा है। रजोगुण सिर्फ बोल देने से बात नहीं बनती, फिर आगे भी कि वो किससे जुड़ा हुआ है, तो गहराई गहराई ही बताती है, उसी में देख पाना संभव होता है। तो पूरे साहित्य में दोहों में आप वर्गीकरण हुआ है, तो उसमें आप पाएंगे कि हर चीज़ का अलग अलग अंग है। जिसको काम ज़्यादा है क्रोध, लेकिन वो पता लगा पाना इतना आसान नहीं होता, उसमें तो थोड़ा गहरे पैठना पड़ता है। कबीर साहब कहते हैं इस भजन में कि पैठा नहीं समझ सुख सागर, बिना प्रेम बैराग के। तो प्रेम और बैराग के बिना जब तक उस सागर में जाके बैठे ना और गहराई में जाकर ना बैठ जाएं, तब तक कुछ भी कह देना व्यर्थ ही होता है। क्या गलत है, क्या सही होता है, क्या शुभ है, गलत सही तो इतना कुछ है नहीं, वो तो बहुत ही सतही बात है, गलत सही बोल देना किसी चीज़ को। शुभ अशुभ ज़रूर होता है, गलत सही तो बाहरी चीज़ों को लेके होता है कि आप किसी समाज में हैं और वहाँ का गलत सही कुछ और होगा, और कुछ किलोमीटर्स क्या काफ़ी किलोमीटर दूर चले जाएं और बॉर्डर क्रॉस हो जाए और कहीं दूर पहुँच जाएं, वहाँ का गलत सही कुछ और हो जाता है। तो ये बहुत ही सरफेस लेवल पे हो गया गलत सही। जो लोग आध्यात्मिक साधना में हैं और कर रहे हैं, वो तो इतना और पढ़ रहे हैं, वो इतना शायद जान चुके होंगे, मैं आशा करती हूँ कि गलत सही जितना इतना ज़्यादा नहीं, ये बाहर ही होता है। हाँ, मन के लिए क्या शुभ है और क्या अशुभ है, ये ज़्यादा हमें इस बात से मतलब रखनी चाहिए। शुभ क्या है मन के लिए और अशुभ क्या है, और वो तो जब गुरुओं के सानिध्य में होते हैं तब ज़्यादा अच्छे से ये बात पता लग पाती है और पता लगा पाते हैं कि क्या इस मन के लिए शुभ है और क्या अशुभ है, और फिर उसमें फिर गहराई से आगे बढ़ें, देखें, सीखें। मन को आदत है बार बार हर एक चीज़ बोलने के लिए, हाँ बस यही है, डन है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, समय बदल के उसको रख देता है। तो इसलिए उसके साथ गहराई से बैठना होता है, लेकिन वो गहराई पे से बैठ पाने के लिए अब समझ लीजिए कि ये दो कंडीशंस हैं शायद, प्रेम और बैराग। प्रेम नहीं हुआ तो भी समझ को नहीं पहुंच सकते बिना प्रेम के, और अगर बैराग नहीं हो पा रहा, राग से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा राग किसी भी चीज़ से विषय से रख रखा है, तो भी बहुत मुश्किल हो जाता है समझ से देख पाना। इनको तो बिल्कुल कंडीशंस ही माने और ऐसे ही याद कर लें कि कबीर साहब जैसे कह रहे हों कि समझ पैठा नहीं समझ सुख सागर, बिना प्रेम और बैराग के। तो दो चीज़ें तो समझ लीजिए कि बहुत ही ज़रूरी हैं, यही दो चीज़ें जो हैं शुभ हैं। जीव बन के आए हैं और मन है, ये पहला एक्सेप्टेंस है, देह है और मन है। हाँ, लेकिन अब ये मन कुछ आगे के लिए समर्पण रखता है, ऑनेस्टी रखता है और उसके लिए डिवोटेड है। तो अब कैसे पता चले कि क्या शुभ है क्या अशुभ है? दुनिया में तो हर चीज़ की, सत्य की ही देख लें तो इतनी परिभाषाएं हो गई, ज्ञान देखें तो कितना ज्ञान है बिखरा हुआ है, साहित्य ही साहित्य, और अगर गुरु देखें तो संसार में गुरु ही गुरु भरे हैं, पता कैसे लगाएं। किसी भी बात को लेके किसी का सच कुछ और हो जाता है, दो व्यक्ति अगर बात कर रहे हैं, दूसरा उसको किसी और तरीके से डिफाइन करेगा, और फिर आप देखिए उस पर डिस्कशन डिबेट और पल भर में डिबेट और सब होने लगता है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, परिभाषाएं बहुत हैं, ज्ञान बहुत है, गुरु बहुत हैं, पता कैसे लगाएंगे। तो वो शुभ अशुभ के लिए कबीर साहब बार बार बोल रहे हैं सतगुरु, सतगुरु ज़्यादा समझिए, बहुत अच्छा शब्द है, ऐसा शब्द है
आपकी वो जो ऊंचा शब्द है उधर तक पहुंचा देता है। सत, सत मतलब ट्रुथ, एसेंस, कि हर चीज़ के एसेंस में क्या है, उस एसेंस को, तो वो पता लगाना और उनके पास होना ज़रूरी हो जाता है। वहीं से फिर पता भी चलेगा कि शुभ क्या और अशुभ क्या, और एक बार शुभ अशुभ का पता लगने लग जाए, अब पता ऐसे नहीं लग सकता, उसके लिए विवेक को समझना ज़रूरी होगा कि इतना तो पा लें हम गुरु से, और या तो इतना तो हम सीख लें कि कम से कम बुद्धि और विवेक में डिफरेंशिएट कर पाएं। जब तक ये पता नहीं लगता कि बुद्धि है या विवेक है, तब तक अभी वहाँ पहुँचे नहीं, अभी तो बिगनर्स लेवल जो है, समझिए, समझाने के लिए, इसमें ऐसा कोई लेवल नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। तो कुछ बातों का पता तो मन कर ही पाए ना, कि बुद्धि क्या है, विवेक क्या है, सुख क्या है, आनंद क्या है, यहाँ तक तो पहुँचना ही होगा, तब जाके फिर शुभ अशुभ भी पता चल पाएगा। क्योंकि जब तक अगर विवेक नहीं हुआ, तब तक तो फिर जो बातें मन को सुख लगती हैं, वो हो सकता है कि दुख हों और बहुत बड़ा कारण है वो दुख का, लेकिन मन को ऐसा लग रहा है कि यही सुख है, अच्छा चल रहा है। वो तो जब समय बदलता है, उसका फॉर्म पलटता है, तब परेशान होते हैं, तब फिर भटकते हैं कि नहीं नहीं ये सुख नहीं है, ये तो बहुत पीड़ा दे रहा है, ये तो गड़बड़ है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इतना पहुंच जाएं गुरु संगति से, सत्संगति से, कि बुद्धि और विवेक में कम से कम फ़र्क कर पाएं। इतना भी अगर जान समझ लीजिए लिया, तो भी समझिए बहुत बहुत मदद हो जाती है, साधक को मिल जाती है। तो नींदें भी जानना कि किसको नींद कहते हैं, वो भी एक गहराई की बात है कि कौन सी ऐसी नींदें हैं। मन को आदत है हर चीज़ को बांध लेने की, फिक्स पैटर्न कर लेने की, तो उन नींदों में मन फंस जाता है। कबीर साहब उन्हीं मन की नींदों की बात कर रहे हैं, और वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जाग जाग उठ जागरे, कह रहे और कोई तेरा काम ना आवे, गुरु चरणन उठ लागरे, कि और यहाँ पे कोई दूसरा मदद नहीं कर सकता। संसार में जो मदद चलती है वो दूसरी मदद होती है ना। आपके पास कुछ रुपए पैसे की इस समय मान लीजिए कमी आ गई, आपके मित्र के पास हैं या घर वालों के पास हैं, आपने इच्छा जाहिर की, उन्होंने थोड़ी मदद कर दी, ये दूसरी मदद है। इस मदद में दोनों के पास वो एंटिटी है, वो मटेरियल है। जहाँ ज्ञान की बात है, और ख़ासतौर से आत्मज्ञान की बात है, वहाँ पे तो सबको ही पहुँचना होता है सतगुरु के पास। वहाँ पे एक संसारी दूसरे संसारी की चाह के भी मदद नहीं कर सकता। ऐसा लगता ज़रूर है कि सब कुछ आध्यात्म में एक थोड़ा सा और इसलिए सतर्कता रखनी चाहिए। आप वर्ल्डली स्किल्स की बात करें, जैसे कि ये कैमरा ऑपरेट करना है, या आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो साइंस के लॉस से, फिज़िक्स से और बाकी लॉस से डिफाइंड हो जाता है। उसमें जाके सीखना पड़ेगा, पता होना होगा, ऐसे ही और फॉर्मूले लगते हैं। तो ऐसे ही कोई लेमैन आके उसको नहीं कह सकता कुछ भी, उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता, बनेगा ही नहीं उसको टिप्पणी करते। और जो हल्के फुल्के नॉलेज रखते होंगे वो उसमें थोड़ा अटेम्प्ट करेंगे, तो बहुत जल्दी उनका कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो इसलिए फिर दिखता है कि इसके, उनको हम बोल देते हैं एक्सपर्ट्स, तो आसान होता है कि आपको फोटोग्राफी सीखनी है तो आप जाके सीखते हैं, उस स्किल्स को मास्टर करते हैं।
आप खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो उस स्किल को मास्टर करते हैं, आप म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो उसकी पूरी विद्या अर्जित करते हैं, उसको मास्टर करते हैं। लेमैन के लिए जगह ही नहीं है कुछ भी उस पर टिप्पणी कर देने की, कर ही नहीं सकता, चाह के भी नहीं कर सकता। इसलिए आप पाएंगे कि साइंस आगे तरक्की करता गया करता गया, टेक्नोलॉजी तरक्की करती गई करती गई एक तरीके की। लेकिन जहाँ पे सत्य और चर्चा की बात आती है, सत्संगति की, अब चूँकि चर्चा है और उसमें शब्द हैं, तो हर वो व्यक्ति जो बोल सकता है और शब्द का उच्चारण कर सकता है, तो उनको लगता है कि हमने आपस में बात करके उसको समझ लिया या उस बात का निवारण कर लिया और हो गया, हम सही हैं। जबकि ऐसा होता नहीं। जब वस्तु के लेवल पे, मटेरियल के लेवल पे ज्ञान बैठा हुआ है और वो ज्ञान फिक्स लॉस से चल रहा है, तो मन तो उसके भी आगे की कहानी है। स्पिरिचुअलिटी साइंस से आगे की है, लेकिन चूंकि शब्द में और भाषा में और बोलने की प्रवृत्ति, जो वृत्ति है बोलने की, इसमें भ्रम हो जाता है। दो लोग आप पाएंगे कि बातें कर रहे हैं, दोनों के जीवन में कुछ ना कुछ ट्रबल है, लेकिन वो बात करके दोनों आपस में पंडित हो जाएंगे। और दोनों हो सकता है कि जीवन में जूझ रहे हों, परेशान हों, कहीं से सुख भी नहीं, आनंद तो आगे की बात हो जाती है, लेकिन बातचीत में आप देखिए दोनों बिल्कुल ज्ञानी होंगे। भ्रम है ये, इस बात को पकड़ना चाहिए, इस बात को कैच करना चाहिए, घट के अंदर भी घट के बाहर भी। और वो तब हो पाता है जब देखने वाला खुद भी थोड़ा सा शांत हो जाए, शांत रहे इच्छाओं से, कामनाओं से, वासनाओं से। अगर इच्छा रहे भी तो बस इतनी रह जाए, बस वेलफेयर की, यही शुभ है। और फिर उस शांति से देखे तो ये बात और बारीकी से समझ में आएगी। फिर आप देखेंगे जग को हर बात में बोलते बोलते और बहुत कुछ बोलते बोलते, और पाएंगे कि पहुंच कोई कहीं नहीं रहा है, बल्कि किसी चीज़ को ना अटेम्प्ट करते तो ज़्यादा ठीक रहता, उसको बोल के और ख़राब कर दिया अटेम्प्ट करके। तो साधारण मन की यही कहानी है, उसे भ्रम होता है कि वो जानता है पर वो कहीं जान नहीं रहा होता। अगर जान ही रहा होता तो जीवन में मुड़ के देखे तो जो तकलीफ़ें हैं क्या वो ठीक नहीं हो गई होती, वो उस बात का प्रमाण है कि नहीं जानते हैं। और जानना किसको कहते हैं, ये जाके सत्संगति से पता होगा। ऐसे ही साधु संत जितने भी रहे हैं, उन्होंने वही बातें बार बार बोली हैं, गुरु भक्ति, सत्संगति। बाबा बुल्ले शाह हो, मीरा हो, सब यही बात कह रहे हैं। ऐसे ही नहीं, उन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया और वो वही बात लोगों को बताते गए और सिखाते चले गए। और इसीलिए आप पाएंगे कि आज हम उनके साथ हैं, उनसे सीख रहे हैं, उनको गाते हैं। और जो उन्होंने ज्ञान दिया वो अकाट्य है, उसको कोई काट नहीं सकता। तो समय बदल गया 15वीं शताब्दी से, आज हम इस सन में हैं, इस शताब्दी में हैं, लेकिन वो ज्ञान आज भी उतना ही यूज़फुल है। साइंटिफिक नॉलेज इसलिए छोटा पड़ता है, लोग कई बार क्वेश्चन करते हैं कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक है। नहीं, स्पिरिचुअलिटी साइंस से भी आगे का है। और जो लोग बिल्कुल ही भ्रम में हों उनसे तो साइंस बहुत आगे है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जो लॉजिक पे भी चलते हों उनके भी साइंस से भी आगे की है स्पिरिचुअलिटी। तो जो बिल्कुल भी नहीं जानते तो पूरा पूरा भ्रम है, साइंस उनके आगे का है।
बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो नहीं जानते और जो जानते हैं, स्पिरिचुअलिटी दोनों के आगे की है। इसलिए उसको समय किल नहीं कर सकता, बर्बाद नहीं कर सकता। साइंस में थ्योरीज हो सकता है कि सदियों सदियों सालों सालों तक कोई भी एक थ्योरी प्रिवलेंट रही हो, फिर नई रिसर्च आ गई, नई फाइंडिंग्स आ गई और थ्योरी बदल गई, तो जिसको कई सालों तक सही मानते आ रहे थे अब वो गलत हो गई। तो ये साइंटिफिक नॉलेज के साथ हो सकता है, लेकिन जो सेल्फ नॉलेज है और अगर वो सतगुरुओं से आ रहा है, वो अकाट्य होता है। कबीर साहब उस समय में भी यूज़फुल थे और आज भी यूज़फुल हैं और आगे भी यूज़फुल रहेंगे। कह रहे हैं कि और कोई तेरा काम ना आवे, गुरु चरणन उठ लागरे। तो बात सिर्फ शाब्दिक अर्थ की नहीं है कि वो बस कह रहे हैं कि बस गुरु के चरणों में जाओ। हाँ, क्योंकि कबीर साहब का हर भजन आखिर में गुरु के पास जाने के लिए बोलता है। हर भजन, हर भजन, अलग अलग भजन हैं, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट से शुरू होते हैं, आखिर में वो गुरु साहब के पास भेज देते हैं। तो ऐसे ही नहीं कह रहे हैं कि गुरु चरणन उठ लागरे, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो साधारण तया नहीं मिलती हैं। वो गुरु के पास पहुंचे तभी वो मिलेगी। और गुरु कैसे हो? जैसे कबीर साहब। उत्तम छोला बना अमोला, लगत दाग पर दाग रे। मन इतना उत्तम मिला था, संसार में लिप्तता इतनी हुई। अज्ञानता रही तो अज्ञानता में लिप्तता ज़्यादा हुई, और जितना मन मटेरियल किसी विषय से लिप्त, उतना ही मैला, दागदार, बोझिल, गंदा होता चला जाता है, होता चला जाता है। तो कह रहे हैं कि उत्तम चोला बना अमोला, लगत दाग पर दाग रे। 2 दिन का गुजरान जगत में, जरत मोह की आग रे। मोह की आग ऐसे जलती है, ऐसा लगता है कि जैसे कितना बड़ा अस्तित्व है हमारा और कुछ जो मिल सकता था वो मिला नहीं, छीना जा रहा है। ऐसे मोह की आग जो है वो जला जला उठती है। और कह रहे हैं कबीर साहब यही जो आप लोग थोड़ी देर पहले गा रहे थे, पानी में मीन प्यासी। छोटा सा समय है, आनंद के लिए हर कोई है, 2 दिन का गुजरान है, लेकिन वस्तु के लिए और विषयों के लिए इतना मोह, इतना प्रेम उससे, प्लेजर, प्रेम यहाँ पे प्लेजर हो गया, अटैचमेंट हो गया, इतना उस वस्तु से अपने आप को जोड़ लिया कि उसके लिए जल जल उठते हैं। वस्तु ठौर की ठौर, वो वहीं की वहीं पड़ी है, उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा वस्तु का, लेकिन वस्तु के लिए ये जो मन है, कितना कितना उसको जलन और अग्नि और सब कुछ, ताप सब कुछ मिल रहा है, और उस मन के ताप से शारीरिक ताप भी जुड़ा हुआ है। और 2 दिन का ही समय है, जैसे पल भर में निकल जाना है। कुछ साल इतने बीते, कुछ और बीतेंगे, बस इतना ही होता है, फिर जाओ, बाकियों को आने दो, आवत जावत लगा रहता है। लेकिन इतना मन को याद ही नहीं रहता। आज जो मन को कमी खलती है, अखरती है, वो उसको इतना वैध मान लेता है, बिल्कुल सत्य के जैसा वैध मान लेता है। उसको लगता है यही बस है, और ये नहीं मिला तो मतलब सब गड़बड़। अब वो मोह की आग पता लगा पाना मुश्किल है। फिर से मैं दोहराती हूँ, कबीर साहब कह रहे हैं तो गहरा है अर्थ। एक बात सिर्फ जानने या समझने की बात नहीं है, उसको प्रतिपल, हर पल, हर दिन जीवन में ढूंढने की बात है कि कौन सी चीज़ है। मोह है ज़्यादा, किस किस चीज़ से जुड़ाव है, रजस है ज़्यादा, काम है, कामना है, क्रोध है, क्या है। हर पल उसको ढूंढते रहने की बात है।
कॉन्शियसली ढूंढना नहीं, अगर कोई भी चीज़ परेशान करती है तो फिर इसका मतलब कुछ है, उसको ढूंढना कि क्या है, क्या परेशान कर रहा है। जब सब सही है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तन सराय जीव मुसाफिर करता बहुत दिमाग रे। सराय ही बोल रहे हैं सीधे, इसको तो याद ही कर ले। जब बार बार देह में उठे अपने लिए, अब देह के लिए खूब चिंता सताए और यही ऐसा लगे कि जैसे यही भगवान है, ऐसी जगह हम देह को दे देते हैं जैसे कि ईश्वर तुल्य। कल मुझे प्रिया जी हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा दोहा साझा किया। वो दोहा बता रहा था, कहते हैं कि कुछ स्त्रियां लड़कियां उसमें से एक जा रही थी, उसमें एक लड़की का विवाह होने वाला था तो उसके लिए उसके ससुराल से नथ आई होगी। तो जिसके नथ आई थी वो खुशी में कि ये इसमें हीरा जड़ा है, ये है, यहाँ से आई है, उधर उन्होंने भेजी है, और खुशी में सबको बता रही हैं और लड़कियाँ चले जा रही हैं। कहानी कहती है कि कबीर साहब पीछे पीछे आ रहे थे, चल रहे थे, और जब लड़कियों को ये वार्तालाप करते देखा, तेज़ी से आगे बढ़े, उन्हें क्रॉस कर रहे थे, तो बोला कि नथ भेजी प्रिय ने। तो दोहे के अर्थ बता देती हूँ, वो ये है कि तुम्हारे प्रिय ने नथ भेजी है तो तुम उसका बारंबार जिक्र कर रही हो, और जिसने नाक दी है बना के उसका कोई जिक्र ही नहीं, उसका कोई बारंबार जिक्र ही नहीं। ये होता है अज्ञानी मन का किसी वस्तु के साथ जब अटैचमेंट हो जाए। अब ये बात सिर्फ कबीर साहब ही बोल सकते हैं, क्योंकि अगर सभी अटैच्ड हैं तो किसी का यहाँ तक तो दिमाग जाता ही नहीं है, सब उस नथ में खो जाते हैं। जैसे कि वो स्त्रियाँ आपस में खोई हुई थी, बहुत खुश, बहुत खुश, बहुत खुश, हाँ, वो जो चकाचौंध है डिज़ाइन की, हाँ, और ब्राइटनेस की और ग्लॉस की, उसको ही इतना परम सत्य मान लिया। अब गलत चीज़ को परम सत्य मान लेंगे तो गड़बड़ तो कर दी ना, और जब गड़बड़ कर दी तो फल भी तो गड़बड़ ही आएगा। रॉन्ग कैलकुलेशंस अगर रहेंगे तो कभी सही निष्कर्ष पे तो पहुंचेंगे नहीं, या परिणाम मिलेगा नहीं, तो अधर में ही लटके रहेंगे, वही सबसे बड़ी गड़बड़ होती है। तो ये बात गुरु ही बता सकते हैं कि जिसकी वजह से नथ की बात, तुम्हें नथ मिली है जो कि कुछ नहीं, एक मेटल है, हाँ, तो नथ भेजी है यार ने तो उसका जिक्र बारंबार, और जिस प्रभु से देह मिली नाक बनी उसका कोई याद ही नहीं है, उधर तक मन पहुंच ही नहीं पाता, मन सतह में ही घूमता रहता है। वही इसलिए कबीर साहब उस कह रहे हैं कि तन सराय जीव मुसाफिर करता बहुत दिमाग रे, कि बहुत दिमाग चला रहे हैं। रैन बसेरा कर ले डेरा चलन सवेरा ताकरे। जिसको पता है कि सुबह उठ के चल ही देना है, वो कहाँ इतना जोड़ने में और खोने में और इन सब में लगा ही रहेगा। अगर जोड़ना भी है तो प्रैक्टिकली उतना जोड़ेगा ना जिससे उसका रात भर का शायद कुछ काम चलता हो, क्योंकि संसार में हो, जो कि वे किसी भी तरीके से चल सकता है। लेकिन ये जोड़ने की जो बात है वो इतनी लंबी जाती है, इतनी लंबी जाती है कि वो मरते मरते भी उस मन का पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए जो लोग जोड़ते भी हैं, अगर उन किसी भी वजह से उनके यहाँ संतान नहीं होती, वो हमेशा दुखी रहते हैं। वो कहते हैं कि इसको भोगने वाला कोई नहीं है, इसको कौन देखेगा, इतनी मेहनत से बनाया। अब दुख तो सबके लिए अलग अलग है, उनको वो दुख ही सबसे बड़ा सत्य लगता है उस समय का, तो ऐसे ही बोलते हैं कौन देखेगा। तो समझ की बात होती है, जो समझ में है, जो विवेक में है वो बचा रह गया,
और जो समझ में नहीं है, जो विवेक में नहीं है, वो उसी अज्ञानता में फिर परिश्रम भी खूब करता है। परिश्रम गुरुजन भी करते हैं, पर वो ऐसा परिश्रम होता है जो सबके लिए फलदायी है। और फिर अज्ञानी अगर परिश्रम करता है तो वो उसका परिश्रम फिर ऐसे ही जाता है। मोह की आग, जरत मोह की आग रे, कोई लूट न ले, इसको बचाना है, इसका क्या होगा, ये कैसे होगा, और वो 2 दिन का गुजरान। तो अगर ये साफ याद ही रह जाए, भूलते बहुत हैं हम, अगर ये साफ याद ही रह जाए तो हमारे बहुत सारे डिसीजंस ऐसे ही बदल जाते हैं। और अगर याद नहीं रहता, इसलिए कई सारे ऑप्शंस हैं, तो डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्या करूं, ये करूं, वो करूं, वो करूं, वो करूं। लेकिन अगर याद है कि 2 पल का गुजरान है, तो साफ रहेगा कि करना क्या है और कैसे और कितना। रैन ये संसार विषय रस माथे, देखो समझ विचार के। कि संसार एग्जिस्ट ही पूरा विषयों के रस पे होता है, जो प्लेजर विषयों से मिलते हैं उसी से संसार चलता है। विषय बदल जाए, मन बदल जाता है, तो संसार भी फिर बदल जाता है, हम सभी जानते हैं। तो अगर ये बात पता चल गई है, तो क्या हमारे लिए अब ये धर्म नहीं होना चाहिए कि अब उस मन को कैसा रखें? क्योंकि उस मन के होने से संसार बदल रहा है बाहर। तो अगर कुछ बदलाव बाहर भी देखना चाहते हैं, तो वो पहले कहाँ होगा? यहाँ होगा। जैसे कि कबीर साहब कोई सिद्धांत बता रहे हूँ, यह संसार विषय रस माथे, देखो समझ विचार के। मन भवरा तज विष के बन को, चलो अमरपुर बागरे। इसी में कबीर साहब दोहा कहते हैं कि दुख महल को ढाने, सुख महल रहो जाए, अभी अंतर है अनमनीता में रहो समाए। यहाँ पे कह रहे हैं कि मन भंवरा तज विष के बन को, कि ये जंगल है विषयों का, और उन्हीं विषयों से फिर विष उपजता है, विषय विकार जिसको बोलते हैं ग्रंथ। विषय विकार यही हुए जो आपके षड रिपु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब विषय विकार हैं। विषयों की अधिकता बढ़ेगी, ये भी ये गुण हैं, ये बढ़ते जाएंगे। प्रकृति है, ये प्राकृतिक गुण है, प्रकृति से आए हैं, रिफ्लेक्ट लेकिन मन पे होते हैं। विषय प्रकृति है, और जो विकार है उस वो रिफ्लेक्ट मन पे होते हैं। तो इसी को कह रहे हैं कि ये विषयों के बन को तजो, इनसे हटो थोड़ा, और चलो अमरपुर बाग रे। अमरपुर बाग यही है, घट के अंतर, कि बाहर हो सकता है कि विषयों के बन में हो, लेकिन घट के अंतर अंदर शांति है, निर्भयता है, अमरता है, भय नहीं है। जब भय होता है तभी बहुत अटैच्ड होने का किसी से, या जोड़ के रखने का मन होता है, क्योंकि डरे हुए हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि दुख महल को ढाने, सुख महल रहो जाए, और अभी अंतर है अनमनीता में रहो समाए। कि अभी मतलब अंतर, कि अंतर में है अनमनी, उस अनमनी अवस्था की बात कर रहे हैं, कि अनमनी में रहो समाए। दुख के महल को छोड़ो, सुख के महल में जाओ। अब यहाँ पे जो सुख की बात कर रहे हैं कबीर साहब, वो शांति की और आनंद की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पे दुख महल है वही सुख महल भी है। तो आगे जिसको वो असल सुख कह रहे हैं वो आनंद है, कि दुख के महल को छोड़ो, विषयों और उनके विकारों से हट के भी मन की अवस्था संभव है, जीवन संभव है, उस तरफ जाओ। और अभी अंतर है अनमनी तामे रहो समाए, उसी में समाए रहो, वहां से हटो ही नहीं। चाहे तो लिख लें इसको,
दुख महल को ढहने, कि दुख के महल को ढहाओ, तोड़ो, हटो इससे। दुख महल को ढहने, सुख महल रह जाए। अभी अंतर है अनमनी, तामे रहो समाए। अभी अंतर है अनमनी, सॉरी उनमनी, अभी अंतर है उनमनी, तामे रहो समाए। फिर कह रहे हैं केचुली करम लगाई चित में, हुआ मनुष्यते नागरे। पुराने को इतना चित्त से जोड़ दिया है, चिपका दिया, केचुली करम, केचुली नाक की जो केचुली होती है वहाँ से, डेड को, केचुली डेड स्किन, तो डेड को चित्त से जोड़ के रखा है, जिसको आप थॉट्स मेमोरीज बोल देते हैं, जो आ आके बार बार हर लेती हैं अभी का चैन सुख सब कुछ। कह रहे हैं केचुली करम लगाई चित्त में, हुआ मनुष्यते नागरे, कि चित से उसको जोड़ लिया है, बड़ा प्यार है पास्ट से, पुराने कर्म से उससे, और वो जोड़ने की वजह से जो अभी का चैन है वो छिना जाता है, और उस चैन के छिनने पे ऑब्वियसली तकलीफ तो होगी। अब जब तकलीफ होगी तो व्यक्ति रोता, चीखता, चिंगाड़ता है, हुआ मनुष्यते नागरे। उसी बात को कबीर साहब और समझाते हुए अपने दोहे में कहते हैं, ये भी आप चाहें तो लिख लें, कबीर भेष अतीत का, केचुली करम लगाई चित में, हुआ मनुष्यते नागरे। इसी को दोहे के रूप में कबीर साहब कह रहे हैं कि कबीर भेष अतीत का अधिक करे अपराध, कबीर भेष अतीत का अधिक करे अपराध। नेक्स्ट लाइन, बाहर दीसे साधु गति, अंतर बड़ा असाध। बाहर दीसे साधु गति और अंतर बड़ा असाध। तो बाहर बाहर से सभी को लगता है कि अच्छा करना है, अच्छा करना चाहते हैं, जो जिसको आप एथिक्स बोल देते हैं, मैनर्स बोल देते हैं, कि गुड मॉर्निंग बोल के निकल चुके और अंदर से पता है कि बात क्या है, तो ये मैनर्स की बात हो गई। बाहर बाहर की, तो बाहर बाहर से तो सभी को लगता है कि नहीं, मैं गलत कैसे हो सकता हूँ, मैं तो पुण्य आत्मा हूँ, मेरा तो उद्देश्य गलत का था ही नहीं, पता नहीं कैसे हो गया, लेकिन अगर हो गया तो इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है, उसका पता लगाना ज़रूरी है। तो उसी को कह रहे हैं कि बाहर दी से साधु गति और अंतर बड़ा असाध, अंतर लेकिन असाध बैठा है, और जब तक अंतर वो असाध बैठा हुआ है, इसका मतलब कि बाहर की भी अभी जो साधु गति है वो फलदायी नहीं है, वो असरदार नहीं है, क्योंकि शुद्धता जो है वो अंदर से नहीं हुई है। जैसे बाहर बाहर का कोई लेप लग रहा हो और जो असल बीमारी अंदरूनी हो उसका ध्यान ही ना जा रहा हो, वो तो पलट के आएगी। तो वही बाहर बाहर के ट्रीटमेंट नहीं चलते। ज़्यादातर मन के क्षेत्र में बात करें, आत्मज्ञान की बात करें, तो जो विधियाँ और बहुत ज़्यादा जो प्रचलित विधियाँ हैं आध्यात्म में, समाज में, बाहर, इस उनकी बहुत लिमिटेशंस होती है, वो यही लिमिटेशन होती है। बाहर बाहर से लगता है कि कुछ काम कर रही हैं पर वो इतना काम नहीं कर, एक ही चीज़ पहुंचा सकती है, वो है ईमानदारी से अवलोकन। नहीं तो बाहर बाहर से लगेगा नहीं ध्यान कराए, चैन थोड़ी देर शांति में बैठ गए, मन का हल्कापन हुआ तो लगेगा कि नहीं ध्यान हो गया, लेकिन अंदर से असाध वाली सारी चीज़ें तो बैठी हुई हैं ना, जब तक वो साफ नहीं होंगी तो बाहर की कोई भी अगर क्रिया की भी तो भी वो फल तो नहीं दे पाएगी। बहुत काम का दोहा है, कबीर भेष
अतीत का अधिक करें अपराध, बाहर दी से साधु गति अंतर बड़ा असाध। कह रहे हैं केचुली कर्म लगाई चित में हुआ मनुष्य ते नागरे, और बैठा ना ही समझ सुख सागर बिना प्रेम वैराग के। कहते हैं कबीर साहब कि साहब बजे भजे तो सो हंस कहावें, काम ही क्रोधी कागरे। कि अगर हंस जैसे, ये भी एक मूल मंत्र है कि हंस किसको कहते हैं और हंस हुआ कैसे जा सकता है, वही सिर्फ एक ही साहब भजे तो, सत साहब, गुरु साहब। साहब भजे सो हंस कहावें, और हंस की बात कर रहे हैं कि हंस तो अपने नीर शीर विवेक के लिए जाने जाते हैं। देखिए कहते हैं कबीर साहब, हंसा पै को काढ़ लो छीर नीर निर्वार, ऐसे गहे जो सार को सो जन उतरे पार। कि हंस क्या करता है, हंसा पै में से शीर और नीर, दूध को एब्जॉर्ब कर लेता है, पानी छोड़ देता है। तो हंसा पै को काढ़ लो शीर नीर निर्वार, ऐसे गहे जो सार को सोजन उतरे पार। कि सार को जो लोग हंस की तरह गह लेते हैं और फालतू के को छोड़ देते हैं, वो जन पार उतर जाते हैं। ये विवेक होता है। और इसी बात को कबीर साहब कह रहे हैं कि शीर रूप हरि नाम है। अब पता तो चले कि शीर कहते किसको हैं। लोग कहते हैं कि काम काम, अब साधारण बोलचाल में तो बहुत आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं, काम काम को गही रखो थोथा दे उड़ाए, काम काम का रख लो बाकी का हटा दो, आसानी से बोल देते हैं। पर मन को पता तो चले कि असल में काम का क्या है और किसको कहते हैं काम काम का रख लो और किसको थोथा कहते हैं, क्योंकि मन भी तो अपने हिसाब से सार और थोथा बना लेता है ना। अगर ये ना बनाया होता तो क्या आध्यात्मिक ग्रंथों के साथ जो आजकल चल रहा है क्या वो होता? आप बुक शॉप्स जाइए, आलतू फालतू की मोटी मोटी बुक्स इंटेलेक्चुअल थॉट्स पे हैं, बस ऐसे ही किसी ने कोई पोस्ट ग्रहण कर ली है, उनको मिल गया है कॉम्पिटेंस की वजह से, वर्ल्डली स्किल्स की वजह से कोई पोस्ट आ गई, जी उन्होंने अपनी किताब लिख दी। कोई एक्ट्रेस हैं, कुछ नहीं कर रही, खाली हैं, पर कुछ तो अपना अस्तित्व दिखाना है या होना है, नहीं तो खुद को भी बुरा लगता है, लीजिए जी किताब लिख दी। अंग्रेज़ी आती है, आप लिखिए बनाइए, पब्लिशर्स भी मिल ही जाएंगे, इतने कॉन्टैक्ट्स होते हैं उसमें, कुछ तो काम आ ही जाएंगे, लीजिए पब्लिश हो गया। किताबें भरी पड़ी हैं और उनके आप मूल्य देखिए, कई कई तो काफ़ी महंगी होती हैं, 1000, 1500, 2000 वहाँ पे। और जो कबीर साहब के दोहों की किताब होगी, उपनिषद होंगे, इनके मूल्य कितने हैं? 100 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 15 रुपये। और जो आलतू फालतू की रबिश इंग्लिश, ओनली इंग्लिश, या फिर हिंदी में भी सिर्फ हिंदी, बस भाषा के मज़े ले लीजिए। अरे भाषा के मज़े कैसे मिलेंगे? ऐसी तो अज्ञानता समाज में छा रही है। तो मन को पता तो चले क्या काम का है और क्या काम का नहीं है। अब उसमें लोग कहेंगे नहीं साह साह को, तो आपने जो आज का सामाजिक मन, अगर छोटे छोटे भेदों को हटा दें तो मूलतः एक ही किस्म का मन है ना, जो मेजॉरिटी माइंड है, ह्यूमन माइंड जो अभी मेजॉरिटी में चल रहा है, उसी का तो किया धरा है ना ये। कि जो फालतू की बुक्स जो किसी को कोई भी मदद ना दें, ना वो वर्ल्ड की कोई इश्यूज रिजॉल्व कर सकती हैं, ना किसी को किसी भी तरीके से वो हितकारी नहीं है, लेकिन बस वो लॉन्च हो रहे हैं, बिक रहे हैं, और बुक शेल्व्स में और शॉप्स में उनके लिए जगह बड़ी है,
और हम आप जाते भी हैं और ख़रीदते भी हैं, हमें पता भी, बेसिकली बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। बहुत तेरे ऐसे होते हैं जो किताबों की दुकान तक पहुंचते ही नहीं, समझिए इस बात को। क्या कहना चाह रही हूँ, जनसंख्या में जिसको हम कह रहे हैं, अगर हम ह्यूमन माइंड को एक माइंड मान लें छोटे छोटे भेदों को हटा के, तो उनमें से बहुत तेरे ऐसे हैं जो किताब की दुकान तक पहुंचते नहीं। वो कपड़ों की दुकान पे पहुंचेंगे आसानी से, जो भी उनके इंटरेस्ट हैं, खाने पीने की दुकान में, ट्रैवल की दुकान में, होटल्स में पे करके आएंगे, सिनेमा हॉल्स में, मूवी में, एंटरटेनमेंट की जितनी जगह होंगी वहाँ के लिए तत्पर रहेंगे, तो किताबों की दुकान तक पहुँचेंगे नहीं। फिर एक वर्ग ऐसा होता है जो किताबों की दुकान पे पहुँचता है, वो पहुँचते भी हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, पर चूँकि मेजॉरिटी गवर्नड है एक पर्टिकुलर वैल्यू काइंड से, वैल्यू टाइप से, तो उसी वजह से उनको भी पता नहीं चलता कि पढ़ें क्या। तो जो भी उनको थोड़ा सा ऐसा लगता है सक्सेस वर्ल्ड में इम्पॉर्टेंट है, तो मेरे काम की क्या हुई, वो किताब जो आजकल सक्सेस की बेस्ट सेलर है, और उससे कोई सक्सेस वक्सेस मिली नहीं किसी को, तो वही खरीद के आए। और जो सच में जो किताब मदद कर सकती थी, सक्सेस दे सकती थी जीवन में, वो अपने आप ही पीछे छूट गई, इसलिए उसके मूल्य कम है, उसके दाम कम है। तो उसी बात को कबीर साहब कह रहे हैं कि साहब बजे तो हंस कहावे कामी क्रोधी कागरे। पता तो हो कि हंस किसको कहते हैं और नीर शीर विवेक है क्या, काम का क्या है। अब बता रहे हैं कि शीर रूप हरि नाम है, नीर रूप व्यवहार, और हंस रूप कोई साधु है तत्का छानन हार। कि यहाँ पे शीर हंस के लिए क्या है, अगर हम मन को हंस की तरह चाह रहे हैं और मन हंस रूपी हो, तो उसके लिए शीर क्या है, हरि नाम साहब। वही कबीर साहब भजन में कह रहे हैं, साहब भजे तो हंस कहावे। नीर रूप व्यवहार, बाहर बाहर का आचरण जो है वो पानी के जैसा है, तो किसी के बाहर के आचरण पे बहुत मत जाइए, अंतस देखिए, आत्मा है कि नहीं, अंतस है कि नहीं। बाहर बाहर का रूप रंग बोलचाल व्यवहार वो इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि वो बाहरी गुण से आया है, अंतस देखना होगा। वो यहाँ पे व्यवहार को नीर बोला है, पानी के जैसा है, छोड़ देने लायक, व्यवहार पे ध्यान नहीं दीजिए, अंतस देखिए कि सच में शुभ है कि नहीं, कल्याणकारी है कि नहीं। व्यवहार देखेंगे कि डांट दिया, ऐसा बोल दिया, टेढ़ा बोल दिया, वो बोल तो गलती हो जाएगी। व्यवहार को मत देखिए, अंतस को देखिए कि आखिर में वेलफेयर हो रहा है कि नहीं, आखिर में एंड रिजल्ट कल्याण है कि नहीं, वेलफेयर है कि नहीं। हंस रूप कोई साधु है तत्का छानन हार, और जो हंस रूप है वो कोई एक साधु है जो तत्का छानन हार है, कि हर चीज़ में तत् को, उसको छान लेता है, ढूंढ लेता है, तत्का छानन हार।